तो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो गृहमंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव भी किया जाएगा। तो कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है और एक बार फिर इसी मौके पर गृहमंत्री विजय शर्मा के निवास का भी घेराव करने की तैयारी है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेसी जिला कांग्रेस भवन गांधी मैदान से ये प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। तो थोड़ी ही देर में प्रदर्शन शुरू होना था, लेकिन ये प्रदर्शन आपको बता दें कि अब शुरू हो चुका है और जिला कांग्रेस भवन से ये प्रदर्शन यात्रा निकाली गई है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, रायपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। तो रायपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें, ये सीधी तस्वीरें रायपुर से आपको दिखाई दे रही हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनमोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ घटनाक्रम अभी चल रहा है? अब बिल्कुल राधा, देखिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आज हो रहा है कांग्रेस के NSUI यूथ विंग और महिला कांग्रेस के तरफ से। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, तस्वीर दिखाइए राजेंद्र ऊपर से कि किस तरीके से यहां कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव करने ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हैं। आपको विकास उपाध्याय देख रहे होंगे जो रायपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। प्रदेश की लचर कानून अव्यवस्था, लगातार बढ़ते आपराधिक मामलों, बलौदा बाजार हिंसा एवं फर्जी नक्सली मुठभेड़ को लेकर के यह प्रदर्शन हो रहा है, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तरफ से। देखिए यहाँ पर भारी सुरक्षा बल की भी तैनाती कर दी गई है। अभी इस वक्त जो है ये प्रदर्शन जो है गांधी मैदान से शुरू होकर के जो है नगर निगम कार्यालय के पास तक पहुँचा है और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी पुलिस बल की तैनाती की गई है। विकास उपाध्याय जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। राजेंद्र एक बार इधर दिखाइए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। ये पुलिस बल के जो जवान हैं, यहाँ देखिए पूरा ये एरिया का जो है घेर दिया गया है ताकि ये जो कार्यकर्ता आगे ना बढ़ पाए। आइए इधर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है प्रदर्शन हो रहा है। देखिए आजकल जो है जब से चुनाव खत्म हुआ है राधा, तब से प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। अलग अलग मामलों में जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। विकास उपाध्याय प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन? प्रदेश में फैलती अपराधियों के हाथ और गृह विभाग के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा लगातार लापरवाही, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं उसको रोक, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। आदिवासी जा रहा है, प्रदेश में लगातार अपराधी घटना बढ़ रही है, उसको लेकर हम तमाम साथी आज गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से राधा ये पूरा प्रदर्शन जो है, इधर पुतला भी जलाया जा रहा है जो गृह मंत्री विजय शर्मा, ये देखिए किस तरीके से जो है वहां पर पुतला जलाने का भी काम किया जा रहा है और पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। ये देखिए ये विजय शर्मा गृह मंत्री का पुतला जलाया जा रहा है, आप देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये पूरा यहाँ पर थोड़ा सा माहौल जो है बिगड़ चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने हाथ पुतला लिए हुए हैं और जो कि वो पुतला जलने के बाद पुलिस के चेहरे पर भी गिरा। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जो है झूमा झटकी हो रही है और हाथ में पोस्टर बैनर लिए जो कार्यकर्ता हैं वो गृह मंत्री का घेराव करने पहुंच रहे हैं। हाँ देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है जो गृह मंत्री निकम्मा है वो गृह मंत्री इस्तीफा दे। तो इस तरीके का हंगामा का माहौल है। एक बार ऊपर के एंगल से दिखाइए आप किस तरीके से यहाँ पर तमाम बड़े जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर झूमा झटकी कर रहे हैं। यहाँ महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और देखिए कांग्रेस लगातार जो है सरकार पर आक्रामक हो रही है जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है। आप दिखाइए टॉप एंगल से दिखाइए राजेंद्र किस तरीके से यहाँ पर लगभग 400 दिखाती रही है कार्यकर्ता NSUI के महिला। ठीक है, तो विकास उपाध्याय को आपने सुना, उनका कहना है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और खराब व्यवस्था को लेकर यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है।